गुड मॉर्निंग चैंपियंस, मायसेल्फ गौरव राणा, योर मैथ टीचर। उम्मीद है आप सब बेहतर है और अपने अपने घरों में रहकर कोरोना से फाइटिंग में देश की हेल्प कर रहे हैं। और हमने अभी पिछली वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस किया था, उसमें मेरे पास काफी क्वेरीज आई स्टूडेंट की, तो उनको पता ही लग रहा है कि हमें करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से कुछ स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्रोडक्ट निकालने हैं। उसने सिर्फ हमको दिया है, पहले उसने रो दिए, रो मीन्स की व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, मीन्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वन इज इफ व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, the product we get is always greater than the both of the improper fraction. Next is proper fraction multiply improper fraction. अगर हम एक proper fraction को किसी improper fraction से multiply करेंगे तो product क्या होगा, जो proper fraction है उससे आएगा greater और improper fraction से आएगा less। तो हमें इसमें यही बताना है कि जो product आएगा वो क्या आएगा, इससे less आएगा या इससे greater आएगा। हमें इसमें actual multiply करके बिल्कुल भी नहीं दिखानी, just यहाँ ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है प्रॉपर है, ये भी क्या है प्रॉपर है, तो प्रोडक्ट लेस आएगा। ये क्या है इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, तो प्रोडक्ट ग्रेटर आएगा। और ये क्या है प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है, तो प्रोडक्ट लेस और ग्रेटर। इसमें बस इतना ही हमें बताना, इससे ज्यादा हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास है 4/5 × 6/30, तो 4/5 जो है हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और 6/13 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। रूल्स क्या कहता है, इफ यू मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन बोथ ऑफ देम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, लेस देन बोथ ऑफ देम। तो बस इतना लिखना है, इस पे हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 4/5 and 6/13 इज ऑलवेज लेस देन बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ द फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज 10/3 7/6, 10/3 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 7/6 क्या है इम्प्रॉपर, दोनों ही फ्रैक्शन क्या है इम्प्रॉपर है। हमने पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या आता है ग्रेटर। तो हमें यही लिखेंगे बिकॉज 10/3 यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 10/3 and 7/6 बोथ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स why product of both fractions is greater than both of the box। इतना लिख दिया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें इसके एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके नहीं दिखानी, ना ही हमें ये बताना है ये क्या है, ना सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ ऑब्जर्व करना है ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है और रूल देखना है कि रूल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना है कि इसमें प्रॉपर आएगा इसका इम्प्रॉपर आएगा। नेक्स्ट वन इज 5/9 9/8, 5/9 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है और 9/8 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। रूल में क्या है, अगर हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन की एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से और ग्रेटर देन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, सॉरी लेस देन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से और ग्रेटर देन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो बस इसमें भी ये लिखेंगे 5/9 इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 9/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज एज यू नो द प्रोडक्ट ऑफ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड स्मॉलर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज 3/4 × 2/3, 3/4 × 2/3 बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एज वी नो द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन बोथ ऑफ देम, तो इसमें लिखेंगे बिकॉज 3/4 and 2/3 बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर लेस देन बोथ ऑफ देम, दैट इज प्रैक्टिस जोन 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप पे या पर्सनली फोन कर सकते हैं। उसके भी अलावा ये टाइम सोने का, मोबाइल चलाने का या मूवी देखने का नहीं है, इस टाइम में हम अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे वीक सब्जेक्ट है उनको हम बिल्कुल हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है प्लीज इस टाइम का अच्छे से अच्छा यूज करें। थैंक यू।